नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये आईटी जेई मेंस 2019 में पूछा गया था, जो कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। तो देखेंगे इस क्वेश्चन में चार ग्राफ दिए गए हैं और ये चारों ग्राफ जो है एक मोशन से रिलेटेड है, है ना। तो हमें देखना है कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उस मोशन को। क्वेश्चन में कहा गया है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन ओ फ्रॉम रेस्ट, मतलब पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी होना चाहिए जीरो और इनिशियल जो डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन है वो भी जीरो है, क्योंकि वो ओरिजिन से चलना शुरू करता है। एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ कि जो एक्सेलरेशन है वो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही फिक्स होना चाहिए तभी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहा जाता है, है ना। एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आइडेंटिफाई ऑल द फिगर्स दैट आर करेक्टली रिप्रेजेंट द मोशन क्वालिटेटिवली। इसमें ए एक्सेलरेशन लिया गया है, वी वेलोसिटी है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है और टी टाइम है, ठीक। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अपने जो चार काइनेमेटिक्स के इक्वेशन होते हैं अगर उनको यूज करें तो किसी टाइम टी पर जो वेलोसिटी आएगा वो ऐसा कुछ आएगा, यू जीरो रखेंगे तो वी इज इक्वल टू ए इंटू टी, ठीक। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो जीरो है तो एक्स इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। तो एक एक करके चेक करते हैं, जैसे पहला इक्वेशन है एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, मतलब टाइम चेंज होना चाहिए लेकिन एक्सेलरेशन चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखेंगे पहला जो ग्राफ है वो सही है, टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, वो फिक्स्ड है, तो ये करेक्ट है। उसके बाद बी वाले में देखेंगे स्ट्रेट लाइन है कुछ वाई इज इक्वल टू एम एक्स जैसा, तो वाई एक्सिस पर वी है और एक्स एक्सिस पर जो है वो टी है, है ना। तो v और t में यहां पर एक रिलेशन हमने फाइंड किया है, तो अगर v y एक्सिस पर रखा गया तो v को y से रिप्लेस करते हैं, a तो कांस्टेंट है मैं इसको m लिख देता हूं कांस्टेंट, और t जो है वो x एक्सिस पर रखा गया, t के x से रिप्लेस करेंगे तो y इज इक्वल टू एम एक्स, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जिसका कि इंटरसेप्ट जीरो है, है ना, ये ओरिजिन से पास कर रहा है, तो वो वाला इक्वेशन को यह सही तरीके से रिप्रेजेंट करता है, तो ये ग्राफ भी सही है, ठीक। उसके बाद आता है ये वाला एक्स और टी का ग्राफ, मतलब कि जो है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम में देखेंगे कि यहां पर जैसे एक्स रखा है वाई एक्सिस पर और टी एक्सिस पर एक्स रखा गया है, है ना। तो चूंकि ये वाई एक्सिस पर रखा गया तो एक्स को वाई से रिप्लेस करेंगे, और ये एक्स एक्सिस पर रखा गया टाइम तो टाइम को एक्स से रिप्लेस करेंगे, तो ये कुछ ऐसा आएगा, इसको कॉन्स्टेंट मान लेता हूं, वाई इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के आगे पॉजिटिव साइन है तो ये पैराबोला अपवर्ड आएगा, है ना। तो पैराबोला अपवर्ड आ गया, अगर ये ऑप्शन सही है तो फिर ये वाला ऑप्शन गलत होना चाहिए, ये भी एक्सटी ग्राफ है वो भी एक्सटी ग्राफ है, है ना। तो वहां पर इक्वेशन हमारा बता रहा है कि जो एक्स और टी का रिलेशन है वो पैराबोला अपवर्ड जैसा होना चाहिए, पैराबोला डाउनवर्ड जैसा दिया है तो ये गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन ये है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हो गए, ए बी और डी, है ना, ए बी और डी करेक्ट ऑप्शन है, और सी जो है ये गलत ऑप्शन है, ठीक, ये करेक्ट हो गया।